को संसद के अंदर पहुंचाया तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उसको ये उठाने का काम करेंगे। और देश की संसद में कायरों की जरूरत नहीं है, बहादुर लोगों की जरूरत है, याद रखना। जो जाके आपकी बात ही नहीं कर सकते उनको क्यों भेजते हो संसद में आप लोग? जो जाके वहां पे गूंगे बने रहते हैं ऐसे लोगों को भेज के क्या फायदा है आपका? गुजरात की विधानसभा में आपने चेतर भाई को भेजा है, लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं आपके लिए बताओ? लड़ रहे ना, लड़ रहे ना। तो बहादुर की जरूरत है कि कायर की जरूरत है बताओ? बहादुर की जरूरत है कि कायर की जरूरत है? हमारी पार्टी ने हमको भेजा संसद में, राज्यसभा के अंदर भेजा, 3 काला कानून लेके आए किसानों के खिलाफ। मैंने वहां माइक तोड़ दिया, भाजपा ही चिल्लाने लगे माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानों, अगर किसानों की हड्डी तोड़ोगे तो मैं माइक तोड़ूंगा। तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए आया हूं, डरने के लिए नहीं आया हूं। मैंने मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाया, मैंने कहा मणिपुर में माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। और एक बयान मैंने पढ़ा अखबार में, संसद में जाने से पहले, उस समय पार्लियामेंट चल रही थी, एक कारगिल के योद्धा ने, एक ऐसा जवान, एक ऐसा अफसर जिसने कारगिल के युद्ध में शिरकत की देश की रक्षा के लिए, उसकी पत्नी को मणिपुर में निवस्त करके गुंडों ने घुमाया। मैंने संसद के अंदर कहा कि कारगिल के योद्धा का वो वक्तव्य मेरे कानों में गूंज रहा है जो उसने कहा कि मैंने भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल का युद्ध तो लड़ा, भारत माता की रक्षा कर पाया, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। यह बात सुन के पीड़ा नहीं होती? यह बात सुन के कैसे कोई संवेदनशील व्यक्ति चुप रह सकता है? मैंने संसद में उसको लेके हंगामा किया, मुझे सस्पेंड किया, सस्पेंड करके बाहर किया, जितने दिन जेल में रहा वहां भी सस्पेंड रखा, दोबारा फिर पार्टी ने भेज दिया, फिर भी कह रहे नहीं नहीं संजय सिंह जी आप संसद में नहीं आ सकते। तो मैं आप लोगों से कहने आया हूं, बहादुर लोगों को संसद में भेजा करो, कायरों को, गूंगों को, जो आपके लिए बोल नहीं सकते, ऐसे लोगों को संसद में मत भेजा करो। इनकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया, पूरी आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं।